महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे एक बहुत बड़ा नाम है। राज ठाकरे महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख है। राज ठाकरे पूर्व शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के भतीजे और वर्तमान में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई। राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे की तरह काफ़ी तेज और भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं। राज ठाकरे ने शुरू में शिवसेना के साथ अपनी राजनीति शुरू की थी। कभी इनको शिवसेना के भावी नेता के तौर पर देखा जाता था, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे की तरफ ज़्यादा झुकाव रखा, जिससे नाराज होकर राज ठाकरे ने 2006 में अपनी खुद की एक अलग पार्टी बना डाली, जिसका नाम महाराष्ट्र नव निर्माण सेना रखा गया। इसका प्रतीक रेलवे इंजन है। जो पहले शिवसेना में कार्यकर्ता थे वे बाद में मनसे में शामिल हो। शुरू में इस पार्टी ने उत्तर भारतीयों पर राजनीतिक और शारीरिक तौर पर हमले किए। 2003 के समय में राज ने पूरे महाराष्ट्र में 80 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया था, लेकिन ये सपना ही रह गया। 2009 के चुनावों में उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अच्छी सीटें मिली। सन 2000 में राज ठाकरे के ऊपर उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा करने का आरोप लगा था। राज ठाकरे ने दादर में एक रैली में कहा था कि अगर उत्तर भारतीयों के लोग दादागिरी करते हैं तो उनको मुंबई में रहने नहीं दिया जाएगा और उनको मुंबई छोड़ना पड़ेगा।